अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम डायरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ किडनी बीन सैलड, जो कि एक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें और इसमें क्या कुछ हमें चाहिए होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए होगा किडनी बीन्स, जिसे हम उर्दू में राजमा कहते हैं, एक बाउल, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। उसके बाद मैंने इन्हें एक घंटे के लिए बॉयल किया, बहुत अच्छे से ये गल गए। और इसके साथ हमें चाहिए कुकम्बर्स, अनियंस, टोमेटोज, लेमन जूस, ग्रीन चिलीज और सिलेंट्रो। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें सबसे पहले हम किडनी बीन्स ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास एक प्याली है। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे कुकम्बर्स, ये आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें। मैंने यहाँ पे आधा कुकम्बर यूज़ किया है। प्याज, जिसे कुछ लोगों को प्याज ज़्यादा पसंद होती है और कुछ लोगों को वो उसकी कड़वाहट इतनी पसंद नहीं होती, तो मैंने बस अपने हिसाब से डाली है आधी प्याज। टमाटर का मैंने सीड वाला पार्ट जो है वो कट कर दिया है और मैंने आधी टमाटर इसमें यूज़ की है। ग्रीन चिलीज़ के सीड भी मैंने निकाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी नहीं खाते, इस वजह से मैं थोड़े कम ही डालूंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आधा मैं अभी डालूंगी, आधा जो है मैं गार्निशिंग के लिए बचा के। अब इसे अच्छे से आप मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ब्लैक सॉल्ट। अच्छा, हम इसमें वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मगर जो लोग डाइट पे हैं या अपना पोषण कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करें, क्योंकि ज़ीरो कैलोरीज होती हैं इसमें और ये सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है वाइट सॉल्ट से। फिर हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, मगर हमारे यहाँ नहीं इसमें पसंद किया जाता तो मैं स्किप कर रही हूँ। अच्छा, लेमन जूस, मैंने सीड सारे लेमन के निकाल लिए हैं और इसमें मैं एक लेमन निचोड़ लूँगी। जो लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये टेस्ट जो है चीज़ों का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर करूंगी। अब इसे सर्व करके आप खाती हूँ। अब हम लास्ट में इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। मज़ेदार और हेल्दी सैलड जो है वो रेडी हो गया है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।